खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने किया कार्यकर्ताओं को सम्मानित। बीसलपुर विधानसभा के हजारों कार्यकर्ताओं को डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने किया सम्मानित। तहसील स्तर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने किया सम्मानित। डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने कहा, असली सम्मान के हकदार हैं कार्यकर्ता। बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत करने का कार्य करते हैं बूथ लेवल के कार्यकर्ता। ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने का कार्य करते हैं ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम सत्ता में हैं। एक अहम जानकारी के साथ यूपी अपडेट आप तक खबर पहुंचाने का काम कर रहा है। सबसे पहले बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त स्मृति चिन्ह देकर भाजपा कार्यकर्ताओं को डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने किया सम्मानित। डॉक्टर रत्नेश गंगवार की इस पहल से कार्यकर्ताओं ने रत्नेश गंगवार की प्रशंसा। डॉक्टर रत्नेश गंगवार के सम्मान समारोह में राजनीतिक आया भूचाल, राजनीतिक बड़ा भूचाल आया है डॉक्टर रत्नेश गंगवार के इस पहल से। कुर्मी समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले डॉक्टर रत्नेश गंगवार की हर एक चाल भूचाल लाने का काम कर रही है। बीसलपुर में तारा वेंकट लान हॉल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बूथ लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, तहसील स्तर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने कहा, एक एक कार्यकर्ता को बुलाकर सम्मानित करने के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता का डाटा एकत्रित कर उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, सम्मान के असली हकदार हैं कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत कर पार्टी को शिखर पर पहुँचाने का काम करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईमानदार और निष्ठा के साथ पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं के सम्मान से एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में आएगी। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर वन तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24x7। आज कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह किया गया था, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है? आज हमारे जो 130 बीसलपुर विधानसभा स्तर के बिल्कुल निचले स्तर कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे जितने भी पदाधिकारी, चाहे वो जिले स्तर की टीम में हो, सभी लोगों का सम्मान समारोह कार्यक्रम 130 बीसलपुर विधानसभा का रखा गया था, जो मेरे द्वारा आयोजित किया गया था। और लगभग सभी पूर्व यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, सभी लोग इस गर्वामयी उपस्थिति के लिए। और मेरा एक मन था कि हमारा जो निचले स्तर कार्यकर्ता है, हमेशा कोई भी चुनाव पार्टी का होता है तो वो लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी के संग खड़े होते हैं और रात दिन नहीं देखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सम्मान कभी किसी स्तर से नहीं किया जाता है। तो मेरे मन में ये था कि मैं अपने स्तर से इनका सम्मान समारोह करूँ, उनका हौसला बढ़ाऊँ। आगामी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, लगभग 2 महीने बाद होने वाला है विधानसभा का चुनाव, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने ये कार्यक्रम किया है। धन्यवाद। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य किया गया, क्या इससे पहले कभी कुछ हुआ ऐसा? बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है जी, ये हमेशा प्रत्येक चुनाव में तैयार की जाती है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है जी, वो प्रत्येक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत प्रदान करना है जी। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रत्नेश गंगवार जी ने जो सम्मानित करने का कार्य किया है, इससे इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। कार्यकर्ताओं में नया उत्साह इससे आया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की विजय दिलाने के लिए कार्य करेगा। इसी प्रकार हम लोग सदैव कार्य करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उनको सजाने और संवारने की कमी थोड़ी बहुत रहती है, वो आज रत्नेश जी ने पूरी की जी। और हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बीसलपुर विधानसभा ही नहीं, अपने जिले की 4 विधानसभाओं को जीतने का कार्य यहाँ से बीसलपुर से प्रारंभ होगा कि कार्यकर्ताओं का इसी प्रकार उत्साह। आपका नाम? मैं शिवेंद्र नाथ शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ में जिला संयोजक हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ बीसलपुर विधानसभा। आज डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्या कुछ कहेंगे आप? रत्नेश हमारे बीसलपुर विधानसभा के एक छत्र युवा नेता हैं जी। रत्नेश जी का कार्यकाल जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं बहुत ही सुंदर रहा है। एक साफ अच्छी छवि वाले रत्नेश जी हमारे बीसलपुर विधानसभा के उभरते हुए नेता हैं।
और मैं चाहता हूं कि बीजेपी से इन्हें टिकट भी मिले और ये उसी तरीके जिस तरीके से इन्होंने एक एक कार्यकर्ता को सम्मानित किया है, हमारे एक चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, किसी भी श्रेणी का बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता अछूता नहीं गया, यहाँ से सम्मानित होकर गया है। और इनसे आशा भी है कि ये आने वाले समय में युवाओं का और ख़ास तौर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका उसी प्रकार सम्मान करेंगे जिस प्रकार इन्होंने यहाँ ताराबाई के ढाल में किया है। मनोज जी, आपसे भी एक सवाल था मेरा छोटा सा, कि क्या कार्यकर्ताओं को और लोगों ने सम्मानित किया है, जैसे बूथ लेवल के स्तर तक के कार्यकर्ताओं को? बूथ पूरे 423 जो बूथ है यहाँ पर विधानसभा बीसापुर के अंतर्गत, प्रत्येक बूथ के जो अध्यक्ष है उनको आमंत्रण भेजा गया था, जिसमें 80% कार्यकर्ता बूथों के हमारे आए और 4 मंडल अध्यक्ष और महामंत्री जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अथवा नीचे से नीचे ऊपर के ऊपर सब तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसा काम कोई मतलब इससे पहले हुआ है कभी? इससे पहले कभी भी कोई ऐसा कार्यक्रम बूथ अध्यक्ष के सम्मान का नहीं रखा गया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी नहीं रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।